तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो आज हमारा डे टू है। तो कल हम यहाँ पहुँच चुके थे अपराध में, बहुत लेट हो गया था पहुँचने में। तो आज हमारा डे टू है, आज हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। आज हम मनाली के आसपास कुछ ऑफबीट लोकेशंस है, वाटरफॉल है, एक सॉयल विलेज है, तो वहाँ जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो हमारा दिन शुरुआत हो चुका है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर अरूप ऊपर बैठा हुआ है और दीपक भाई यहाँ पर बाहर है, नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। तो फटाफट चलिए आप दिन की शुरुआत करते हैं। और हमारा डे टू है, अभी बहुत लंबा सफर है भाई, अभी कम से कम हमें 15-20 दिन लगने वाले हैं लेह लद्दाख में ही एंजॉय करते हुए। तो आज डे टू है, डे टू को एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे। और हम जिस रूम से है ना, उस रूम से जो नज़ारा है ना भाई, वो अल्टीमेट है। ये देखो, मस्त वाला है। और ये हमारा रूम है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, वो ऊपर रूप है डुप्लेक्स में। और नीचे हमारा ये बेडरूम है, ये रूम का स्पेस है, काफ़ी बड़ा रूम है। और यहाँ बैठ के हम ब्रेकफास्ट वगैरह डिनर वगैरह करते हैं और नज़ारों का आनंद लेते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल रूम से, जा रहे हैं हम लोग सॉयल विलेज। आज हम लोग सजला वाटरफॉल नहीं जाएंगे क्योंकि सॉयल विलेज में ही घूमते घूमते हमें शाम हो जाएगी, सजला वाटर जाने में अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ जाने का फ़ायदा है नहीं। तभी हम लोग आ चुके हैं एक सलून में, अपने डीजे भाई को शेव करानी थी, दाढ़ी बहुत अजीब सा हो गया था, तो शेव वेव करा लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं सॉयल विलेज की तरफ। ये देखो भाई, यहाँ चल रही है मेकअप, वो बोलते हैं सफेदी, सफेदी दिवाली पे कराई जाती है। हाँ ये व्हाइट वॉशिंग कराया जा रहा है अभी अपने चेहरे का। सो गाइस, ये एक ब्रिज है जहाँ से हमें उस पार जाना है, काफ़ी छोटा ब्रिज है, एक गाड़ी वहाँ से आ रही है, अब वो आ जाए तो हमारी गाड़ी वहाँ से क्रॉस करेगी। और नीचे से ही जा रही है ब्यास रिवर और सामने का नज़ारा बहुत अच्छा है। ये वाली गाड़ी आ जाए तो अपनी गाड़ी यहाँ से पार होगी।
सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सोयल विलेज। जैसे मैं पीछे देख सकते हैं यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सोयल विलेज ईट चिल एंड स्टे। शायद ये कोई कैफ़े है। तो सोयल विलेज में गाड़ी यहीं तक आती है, ये यहाँ का लास्ट स्पॉट जहाँ तक गाड़ी आती है। यहाँ से आपको ट्रेक करना पड़ता है। आई थिंक ट्रेक हम उधर कहीं करेंगे, उधर कहीं जाएंगे। तो चलिए सोयल विलेज पहुँच गए, आपको दिखाते हैं यहाँ के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। सो गाइस हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। सामने दीपक भाई अजय भाई दोनों जा रहे हैं और ये जो ट्रैक है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का है। क्या अजय भाई, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से जा सकते हैं। धीरे धीरे रास्ता अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। तो चलिए सोयल विलेज की सफ़र शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। घर कहाँ पर है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ, पहली में। पहली में अकेले स्कूल जाते हो? दीदी। दीदी है? दीदी कहाँ है? स्कूल में। अभी तुम्हारी छुट्टी हो क्या? अकेले अकेले घर जा रहे हो? तो भाई साहब देखिए कितना क्यूट छोटा सा बच्चा है, स्कूल से अकेले घर जा रहा है। चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ जा रही है अपने घर, है ना? सो हम लोग अभी सोयल विलेज की पतली पतली गलियों को क्रॉस कर रहे हैं और अजय भाई ने बताया कि हमारे जो सनी देवल भाई जी हैं, सनी देवल पाजी, उनका यहाँ अपने घर एक, वो यहाँ आते हैं और 8-8 महीने साल साल भर यहाँ पर आराम से स्टे करते हैं। काश हमारा भी यहाँ घर होता, हम भी यहाँ आते और स्टे करते, ज़िंदगी के मज़े लेते। फ़िलहाल आप नज़ारों का मज़ा लीजिए। अभी हम एक छोटा सा जंगल क्रॉस कर रहे हैं, ये पतला सड़क यहाँ से जा रहा है, ले जाएगा हमें अपनी मंजिल की तरफ। देखो यहाँ पर सेब के पेड़ हैं, अभी सेब ज़्यादा कच्चे हैं, इनको पकने में टाइम लगेगा। आपको मैंने पिछले दिखाया था ना स्पीति में, जब मैं कल्पा में था, बड़े बड़े सेब के पेड़, वहाँ मैंने कम से कम 7 से 8 वैरायटी देखी थी, वैरायटी सेब की। तो यहाँ भी है बट अभी यहाँ पर कच्चे हैं ये, अभी इनको पकने में टाइम लगेगा। ये सारे के सारे यहाँ पर सेब के पेड़ हैं। और लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि मनाली के आसपास भी बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं जो भी लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो मैंने कहा था कि मैं अगली बार आऊँगा तो आपको ज़रूर से ले जाऊँगा, तो मैं आ गया हूँ आपको हाफ रहा हूँ मैं, तो मैं आगा आपको दिखाने के लिए। अरे एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस सोयल विलेज, और सामने का नज़ारा है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कैफे काला आंटी के पास और बाइक जो है यहीं तक आती है, मतलब यहाँ रास्ता बना हुआ, यहाँ तक बाइक आ सकती है, कार वहीं तक, बाइक यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि हमने देखा यहाँ कुछ बाइक्स लगी हुई हैं। तो अजय भाई ने कहा कि यहाँ तक जो है बाइक्स आ सकती हैं। देख सकते हैं आप कुछ बाइकें लगी हैं यहाँ पर, 1 बाइक 2 बाइक 4 बाइक लगी हैं यहाँ पर। तो अगर आप बाइक से आते हैं तो आप यहाँ तक बाइक से आ सकते हैं। ये देखो एक बाइक लगी है बुलेट, ऑफ रोड टायर लगा रखा है इसमें, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये देखो
फ़ोन नंबर वगैरह है, आप नोट कर सकते हो, हिल व्यू कैफ़े। और भाई जो नज़ारे हैं ना यहाँ के, लोकेशन अल्टीमेट है। और ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी है और यहाँ शुरू हो रहा है असली ट्रैक। सो हम आधा आ चुके हैं और आधा ही बाकी है, और आधा आपको मिलेगा ये वाला रूट, ऐसा ट्रैक, पत्थर वाला प्योर ट्रैकिंग वाला रूट है ये। दोनों तरफ पेड़ है और बीच से हम लोग जा रहे हैं। मस्त है, आपका भी स्वागत है यहाँ पर गांव में। हाँ पहुंच गए यार, मस्त। पहला जो कैफे पड़ा है वो है थ्री लेडीज कैफे। थ्री लेडीज कैफे, देखो नाम है थ्री लेडीज, और देखो वहाँ बैठी हैं थ्री लेडीज। ये कैफे इन्हीं का है। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अभी द हाउस ऑफ नेचर कैफे। बहुत अमेजिंग लोकेशन है, बहुत ही शानदार, चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ है। और बीच से हम लोग जा रहे हैं ट्रैक करते हुए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ी रास्ते और पहाड़ का मज़ा, यही तो करने आते हैं हम पहाड़ों में। ओ भाई सामने का जो नज़ारा है ना वो अल्टीमेट है मैन, अल्टीमेट। क्या दिख गया मुझे सामने, रुको दिखाता हूँ, थोड़ा आगे जाऊँ, ये देखो। ओहो भाई मस्त है यार, मस्त है, सही नहीं मस्त है, जन्नत है ये। ओहो ये एक ब्रिज देखो यहाँ पर है लकड़ी का। ओहो शानदार, जबरदस्त, चमत्कार। तो मैं भी ये देख सकते हैं आप ये नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत है, वर्ड्स में बयां करना नामुमकिन है। आप यहाँ पर आइए और इन नज़ारों का आनंद लीजिए भाई, काफ़ी मस्त है यार, काफ़ी मस्त है। रील स्टार्ट इनकी, रील नहीं, गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं थ्री लेडीज़, जो मैंने दिखाया रेस्टोरेंट, हम लोग वहाँ बैठे हैं। उनका बैठने का जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर है, बिल्कुल नदी के पास में है। और स्पीति से ढूंढते ढूंढते अब जगह हमें मिला है हिमाचली सित्तू। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे दिखता है ये देखिए, ये है हिमाचली सित्तू, ये हमारे लिए आया हुआ है और हम इसे भी खाएंगे यहाँ नदी के पास बैठ के। इसे खाते हैं और बताते हैं ये कैसा लगता है खाने में। सो गाइस आपने अगर मेरी पिछली वाली सीरीज देखी है स्पीति वाली, तो उसमें देखा होगा आपने हम हिमाचली सिद्धू पूरा ढूंढ रहे थे पर हमें कहीं मिल नहीं रहा था। बस इस वाली सीरीज लद्दाख में हमें यहाँ पर ये स्वर्ग लेजो मिल चुका है। ये मेरे हाथ में हिमाचली सिद्धू है और इसका मज़ा लेंगे हम बिल्कुल नदी के पास बैठ कर। तो इससे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या हो सकता है इस डिश को टेस्ट करने का। चलिए खाते हैं और आपको दिखाते हैं ये कि बताते हैं मतलब बताते हैं कैसा लगता है खाने में ये। सो गाइस आपको दिखाने वाला हूँ मैं हिमाचल सिद्धू खा के ये खाने में कैसा होता है, और वो भी हिमाचल में नदी के पास बैठकर। चलिए खाते हैं आपको दिखाते हैं। अल्टीमेट टेस्ट मैन, बहुत बढ़िया है। और दादा क्या माना छो, भालो लागे
इसको बनाते हैं आटे से, इसमें स्टफिंग होती है मसाले की, मटर पत्ता गोभी आलू सब मिला के ये बनाया जाता है। और इसको फुलाने के लिए इसमें डालते हैं ईस्ट ताकि फूल जाए। और ये यहाँ पर मैक्सिमम घरों में ऐसे ब्रेकफास्ट खाया जाता है, लेकिन हम लोग खा रहे हैं इसको लंच टाइम पे। और इसे जब भी खाना गरम गरम खाना, तब इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें कभी भी गरम खाना नसीब नहीं होता। एक्चुअली जो अखरोट है ना, अखरोट कुछ लग रहा है। घर वाला बनाएगा और इसमें डालते हैं अखरोट भी, आलू भी डाला हुआ, प्याज भी डाला हुआ। ये सब जाएगा कल सुबह सुबह सारी पोस्ट में मिला, जैसे नेटवर्क जाने वाला होगा। अच्छा नेटवर्क कहाँ तक मिलेगा हमें? अभी भी बढ़िया काम कर रहा है। जिस पापे ना, तो जिस पापे एंटर मार देंगे रुक के। अरे पदुम में तो है, वो बोल रहा था। हाँ पदुम में जियो का आ गया है, डाल सकते हैं हम, एडिट कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना? लाल चटनी का तुम बेची थे ना? क्या पेट खराब था ना? लाल चटनी ज़्यादा मत करो। मैं तो खा लिया, उनका पेट खराब था ना। सब खाना तुमने, ये वाला भी खाना है? हाँ खाना वाला है। ये वाला भी खाना है। एक मिनट, एक लॉन्ग तो गाइस, अब एक मिनट। हमारे रास्ता में उधर में ऐसे बाउंड्री पर रास्ता, पापा तो यही बोलते हैं जब तक नाक से पानी नहीं आया ना तो अभी प्रॉब्लम नहीं होता। एक मिनट, मानस के लिए चैलेंज है, ये पूरा चम्मच खाना है। ये अगर खा लिया ना, मेरे पिछवाड़े से आँख निकलेगा, आँख मुंह तो निकलेगा, आँख पूरा ड्रैगन बन जाएगा, पूरा मैं ड्रैगन बन जाऊंगा रिवर्स वाला। सो गाइस, सिद्धू हमने खा लिया पेट भर के, अब आ रही है नींद। तो मुझे हैमॉक मिल गया है, मैं यहाँ पर पसर गया हूँ बिल्कुल, अब नींद आ रही। मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ, लेकिन सोने से काम नहीं चलेगा, मुझे आगे भी जाना है। अरूप मेरी वीडियो कर रहा है वहाँ से, ये देखो तो मुझे झुला रहा है, देखो मैं ज़्यादा तेज़ में झुलाऊँ गिर जाऊँगा भाई। ऐसे लोकेशन में आकर अगर आपको ये सब मिल जाए और क्या चाहिए, बिल्कुल नेचर की गोद में आकर नदी किनारे आपको ये सब मिल जाए और भाई मस्ती मस्ती क्या चाहिए आपको। ये देखो मस्त, इधर ये हैमॉक का मज़े ले रहा है। बिल्कुल हैमॉक के मज़े लेने चाहिए। दीपक भाई वीडियो बना रहे, और भाई हमने जो अभी सिद्धू खाया ना, आपको दिखाता हूँ वो कहाँ बना है। एक मिनट मुझे उठने दो यार, जो हमने सिद्धू खाया है चले भाई, वो बना है इस किचन के अंदर, और वो बनाया इन्होंने। हेलो, तो आपको थैंक यू वेरी मच, हमें हमारा सपना पूरा किया सिद्धू खाने का, और वो बना इस किचन के अंदर। तो आपका जो ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम बाहर लिखा हो, मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है वो रेस्टोरेंट, द हाउस ऑफ नेचर कैफ़े। तो यहाँ से इसका एंट्री गेट है, वो ना किचन है, और ये पूरा इनका एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। आप यहाँ जाके बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं वो, और वो जो हैमॉक है वो भी यहीं पे लगा हुआ है जहाँ मैं भी इंजॉय कर रहा था, ये रहा। और यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, ये रहा इनका एक कैंप यहाँ और एक वहाँ पर लगा हुआ है। ये देखो यार, यहाँ पर देखो क्या मस्त, बिल्कुल प्रकृति में आके प्रकृति के स्टाइल में लकड़ियों का टेबल, लकड़ियों का चेयर सब लगा हुआ है। यहाँ बैठ के आप नदी किनारे नेचर का मज़ा उठाइए और यहाँ के लोकल फूड्स खाइए। और गाइस, इस ट्रिप से रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ्स रील्स हैं वो आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। देखिए नीचे हैंडल आपको दिख रहा होगा, मानसम ब्लॉग्स। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, वो तो फ्री है।
सो अभी जो टाइम है वो है कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने का और कुछ इस लोकेशन में बढ़िया बढ़िया रील्स बनाने का। दीपक भाई रेडी रील बनाने के लिए? बढ़िया। तो चलो भाई अब मैं ये गोप्रो बंद कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहे हैं रील वर्क और स्टार्ट कर रहे हैं रील का काम। हाँ उड़ के देखो रील का ना इतना बड़ा बवाल है, जहां मर्जी बैठ जाते हैं ये लोग एक एक घंटा उठते नहीं है। और देखो नज़ारा कितना सुंदर है, देखो शाम के बज चुके हैं 6 लेकिन इनकी रील ख़त्म ही नहीं हुई है। भयंकर वाला क्या बोलते हैं वो लगा हुआ है रील का चस्का रील का चस्का सो गाइज ये देखो यार रील का चस्का कितना बुरा है, एक एक घंटा ये एक एक रील में लगा देते हैं। बैकग्राउंड शॉट्स क्या बोलते हैं इनको, ब्लूपर्स। सो गाइज अब 6:30 बज गए शाम के और मेरे सर पे लग गए हैं 2 चश्मे और, तो हमने यहाँ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया। जैसे कादर खान के चश्मा लग जाता था, मतलब रात को तो दिखता नहीं था, हमने 2 चश्मे एक्स्ट्रा और लगा लिए। तो 6:30 बज गया है, मैंने 2 चश्मे और एक्स्ट्रा लगा लिए हम अच्छे देखने के लिए। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, हमने यहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया, 3-4 घंटे आराम से स्पेंड किया हमने। अब भागना है क्योंकि थोड़े यहाँ मच्छर हो रहे हैं। अब तो यहाँ फटाफट चलते होटल रूम को फिर